अच्छे ना लाओ उसके बाद शिकायत करो कि हुकूमत हमें नौकरी नहीं देती, हमारे साथ ज्यादती होती है। अरे ज्यादती तो हम खुद करते हैं अपने साथ। आज इसलिए हम निकले हैं कि हमारे बच्चे आए हैं आपके पास भीख मांगने आए हैं। हम भीख मांगने आए हैं आपके पास कि बच्चों की तालीम पे तवज्जो दीजिए, घरों में तालीम पे तवज्जो दीजिए। देखिए कि आपके बच्चे रात को 12-1 बजे तक टीवी ना देखते रहे, 12-1 बजे तक ये वीडियो गेम ना खेलते रहे। हम समझते हैं हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर गए, वीडियो गेम खेल रहे हैं रात को। ये मुसलमानों की, माफ करें मैं इस बात को हर जगह कहता हूँ, मैं चाहे गाँव में जाऊँ, चाहे मैं काहिरा जाऊँ, चाहे मैं कराची जाऊँ, चाहे लंदन जाऊँ, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी बीमारी है जो उनकी पिछलेपन के वजह है। वो बीमारी है रात को 12-1-2 बजे तक जागना और उसके बाद सुबह उठना पाना। उनके बच्चे स्कूल में जाके सोते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। जल्दी सोओगे, तुम्हारे दीन ने तुम्हें तालीम दी थी जल्दी सोने की, इशा की नमाज के बाद सोने की और फजर की नमाज के साथ उठने की। तुम करते हो क्या? नहीं करते। क्यों दी थी? इसलिए दी थी ताकि सुबह उठ के अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल कर सको। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ इलाके के बुजुर्गों से कि जगाओ, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि भाई घर घर जाइए, जगाइए लोगों को। और ये आज हमारा पहला कारवां है, ये हमारा एक तहरीक की शुरुआत है। मैं चाहता हूँ ये तहरीक यहाँ से निकले, जहाँ से सरजैयद की तहरीक निकली थी, जहाँ से मौलाना कासिम नानूतवी की तहरीक निकली थी, जहाँ से जमीतुलमा की तहरीक निकली थी, जहाँ से मौलाना मौदूदी की तहरीक निकली थी, उसी बाजार से उन्हीं गलियों से तहरीक निकले और पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए और हिंदुस्तान के सारे लोगों को बताए कि तालीम का रास्ता वो रास्ता है जिस पर दिल्ली आगे बढ़ी है, और दिल्ली जब बढ़ती है तो हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। हिंदुस्तान की क़यादत आपको सियासत में नहीं करनी, सियासत बहुत होली, आपको तालीम के मैदान में क़यादत करनी है, आपको तामीर के मैदान में क़यादत करनी है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप यहाँ पे ये सुनिए मत हमारी बात, आप सब इसका हिस्सा है। अब जब हम नारा लगाते हैं तो आप हमारे साथ नारा लगाएंगे, हमारे जब भाई नारा लगवाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ तमाशा ना देखें। हम यहाँ कोई तमाशा दिखाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर जगाने आए हैं, सोतों को जगाने आए हैं। तो खुदा के लिए जागिए और हमारा साथ हिस्सा बनिए, हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।